सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Hunnarbaaz Season 4, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda, Bharat ka Antarrashtriya Bank. Kaushal Bharat, Kushal Bharat. Kabir Das ji keh gaye ki karat karat abhyas te jadmati hot sujan, rasri avat jat te sil par padat nishan. Yani jaise rassi ke aane jaane ya ghisne se patthron par bhi nishan pad jate hain, theek waise hi nirantar प्रयास करते रहने से जड़ बुद्धि वाला इंसान भी बुद्धिमान और कामगार हो जाता है। ये कहावत हर उस शख्स के लिए है जो जिंदगी में सफल होना चाहता है। चाहे पढ़ाई लिखाई करनी हो या कोई कौशल सीखना हो, जरूरी है निरंतर उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, जो आपको आगे बढ़ाएगा। और जब आपके इस प्रयास से मिल जाएगा बैंक का प्रयास, तो जिंदगी की हर खुशी होगी आपके पास। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। आज मैं आपसे अपने सफर से जुड़ी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हुनरबाज का कारवां आगे बढ़ाते हम पहुंचे उत्तराखंड, जहां मॉनसून ने मौसम को बड़ा ही सुहाना कर दिया था। जगह जगह सैलानियों का तांता लगा था, सभी मौसम का मजा उठा रहे थे। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन मजा कब परेशानी में बदल जाए किसे पता। बारिश का पानी जाने से मेरे मोबाइल का कैमरा अचानक खराब हो गया और इसे बनवाने के लिए मैं पहुंचा मार्केट। यहाँ मोबाइल रिपेयर की कई शॉप्स थीं, जिनमें से एक शॉप में मैं गया। शॉप का नाम था गुप्ता कम्युनिकेशन, जहाँ एक युवा को मोबाइल रिपेयर करते देख मैं चकित भी हुआ और चिंता भी हुई कि ये क्या इसे सही तरीके से बना पाएगा। लेकिन हैरानी हुई कि कुछ ही देर में इन्होंने मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। लगा ही नहीं कि ये खराब भी हुआ था। छोटे से शहर में इस युवा हुनरबाज के करामाती हुनर के बारे में जानने के लिए शुरू हुआ बातों का सिलसिला। मेरा नाम सुभाष गुप्ता है और मैं गुप्ता कम्युनिकेशन का ऑनर हूँ। मेरी फैमिली में चार लोग हैं और हम लगभग यहाँ 20-22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उत्तराखंड काशीपुर में। मैंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल तक रेगुलर की थी और उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल किया और जॉब करने लगा। सुभाष के पिता ऑटो ड्राइवर हैं और माँ एक हाउसवाइफ। घर का बड़ा बेटा होने के नाते सुभाष घर के खर्चों में अपने पिता का हाथ बटाते थे, जिसके लिए 10th क्लास के बाद इन्होंने कई जगह नौकरी की, पर न काम मन का था न सैलरी। वहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता था, कभी मैं लेट हो जा रहा था घर आने में। बीच में थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मेरे को और फिर थोड़ा सा डिप्रेशन चलने लगा था, तो फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। मेरा बचपन से ही मतलब एक विज़न था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा अच्छे लगते थे, मतलब पसंद आता था इलेक्ट्रॉनिक काम वगैरह करना। और मैंने पॉलिटेक्निक भी ट्राई किया था एक बार इलेक्ट्रॉनिक से, बट ट्रेड नहीं मिली थी मुझे, तो मैंने उसे फिर स्किप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सौरभ अरोरा हैं मेरे टीचर हैं, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक सीखनी है, मुझे भी कुछ अपना काम करना है, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉम BSBS एक सिलेबस चला रहा है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और वो बिल्कुल निशुल्क है। अपने गुरु की इस बात ने सुभाष में एक नया जोश भर दिया था, क्योंकि BSBS में ट्रेनिंग बढ़िया थी और कोई पैसे भी नहीं लगने थे। फिर क्या था, सुभाष ने झट से यहाँ एडमिशन ले लिया और पूरे मन से ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग हमारे 4 सेक्टर में है, एक एग्रीकल्चर से संबंधित है, एक प्रोसेस से संबंधित है, एक प्रोडक्ट से संबंधित है और एक ट्रेड से संबंधित है। 30 दिन की ट्रेनिंग होती है बेसिकली, जो मोबाइल रिपेयरिंग की होती है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों सिखाया जाता है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब सुभाष ने अपनी मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलने का मन बनाया, तो वहाँ भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनका पूरा साथ दिया। मैं बैंक में गया अपने, वहाँ मैनेजर सर थे, उन्होंने काफी अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने बताया कि आप अगर अपना काम करना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मतलब सबमिट करने पड़ेंगे। तो जो है जो लोन दिया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिया गया स्कीम के अंतर्गत, और 1,00,000 जो है बैंक ने लोन दिया, बाकी इन्होंने कुछ मार्जिन में 20,000 के लगभग वो इन्होंने अपने पास चला। आज की डेट में वो बढ़िया दुकान चला रहे हैं
और स्वरोजगार से वो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग को तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम स्वरोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी स्वरोजगार पर बहुत ध्यान है, तो इसलिए हमें तो बहुत गर्व है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा कार्य कर रहा है जिससे समाज सेवा भी हो रही है और लोगों का आर्थिक उत्थान भी हो रहा है। मात्र एक महीने की ट्रेनिंग ने सुभाष के हाथों में दिया पक्का हुनर और बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन से मिली पैसों की ताकत, जिससे सुभाष का काम अच्छा चलने लगा। लेकिन रियल ग्राउंड्स पर काम करने के अपने ही चैलेंजेस होते हैं जो सुभाष ने भी फेस किए। बेसिकली अब जो न्यू मॉडल आ रहे हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर में थोड़े से हार्ड होते हैं। उसको काफ़ी समय प्रैक्टिस करने के बाद मुझे वो शॉर्ट आउट हो गई प्रॉब्लम, अब मैं इजीली सभी सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ। वाह सुभाष, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस कहावत को सही साबित कर दिखाया है आपने। और ये इसी निरंतर अभ्यास का ही नतीजा है जो सफलता के रूप में आज पूरे परिवार में खुशियां बिखेर रहा है। इनके लिए एक ही लाइन है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। कोई भी इंसान स्किल ऊपर से लेकर नहीं आता है, उसे यहीं आके सीखना पड़ता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ज्यादा सीखोगे। देख रहे हैं आप लगातार प्रयास करते रहने का असर, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। आप भी अपने कौशल को लगातार तराशिए और उसे बैंक के द्वारा दिए जाने वाले अवसरों से जोड़िए, फिर देखिए सक्सेस कैसे आपका कदम चूमती है। सुभाष से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ना इस देश में हुनरबाजों की कमी है, ना बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान की, जहां की ट्रेनिंग सिर्फ आपका हुनर ही नहीं निखारती बल्कि आपको रोजगार से भी जोड़ती है। हुनरबाज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, क्या पता हमारे अगले हुनरबाज आप ही हों। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमारा मेन एफर्ट ये है कि हम कैसे फार्मर की इनकम को बढ़ाएं। वो हमारी नई वैरायटी से, नई फसलों से भी हो सकता है, और जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे हेल्प कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे पेस्ट्स की। ये जो ATGC हमारा कंपनी है, उन्होंने एक फेरोमोन बेस्ड ट्रैप सिस्टम बनाया है। इस टेक्नोलॉजी के साथ वो लार्ज स्केल फील्ड्स के अंदर पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, और ये पेस्ट कंट्रोल बिना किसी पेस्टिसाइड स्प्रे के है। हम उम्मीद करते हैं ना कि सिर्फ इंडिया में पर ग्लोबली बेस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेंगे। बायरा, खोज नई, उम्मीद नई। फैमिली प्लानिंग इंसानों के लिए तो ये एक बड़ा ही कॉमन टर्म और प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई है जिसने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे इंसेक्ट्स की फैमिली प्लानिंग करना पॉसिबल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? तो क्या है ये खास बात जिसे जानने आज हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। बिन मौसम बरसात, बाढ़, आंधी तूफान या सूखा, ये सभी खेती से जुड़े किसानों के दुश्मन हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक और चीज है जो अक्सर फसलों को खराब करने का एक बड़ा कारण बन जाती है, और वो है कीड़े मकौड़े। इनके रोकथाम के लिए खेतों में पेस्टिसाइड का प्रयोग करना एक आम प्रैक्टिस है जो हमारी सेहत पर बुरा असर डालती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन ढूंढने वाले हुनरबाज भी हैं, और इस प्रॉब्लम का एक बड़ा ही यूनिक सॉल्यूशन दिया ATGC हैदराबाद के डॉक्टर मार्कंडेय जी ने। We focused on simo chemicals. So simo chemicals are include pheromones. These are sex pheromones, aggregation pheromones, anti-aggregation pheromones. These are the various simo chemicals which change insect chemical behavior. So among which sex pheromones are one group, basically which we use to disrupt mating. भाई इतना तो समझ आ गया कि इस टेक्नोलॉजी से इंसेक्ट्स को मेट करने यानी प्रजनन करने से रोका जाता है, लेकिन कैसे ये समझना भी जरूरी है। What we do is we use pheromones. These are basically insect female sex pheromones, and we formulate them and make artificial females in the field. By this way, the male gets confused. The male will not be able to find its female partner. We take 125 gram of the tube, and then we use the small spoons. We use almost 250 gram of the paste in each of the spoon, and hook it to the plant 6 inches below the crop height, where the moth activity is more. We need to hook it almost 400 to 500 source point
in an acre in a zigzag pattern, so that the moth will come here, the male moth, and then it hops from one source point to the another source point and never able to find the actual female in the field. So we are not allowing any male to find a female. It leads to a insect family planning. Yani ye hai ek no pump no spray product jiska kaam insects ko apne female partner tak pahunchne se rokna hai. एक दो बार इसके इस्तेमाल करने पर ये पूरे सीजन किसानों को कीड़ों से मुक्ति देता है और काफी सस्ता भी है. साथ ही फेरोमोन्स के अलावा इसमें होने वाली सभी चीजें नेचुरल हैं, जो इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाता है. साथ ही इसका प्रयोग डायरेक्ट फल या सब्जी पे नहीं किया जाता, इसलिए ये पेस्टिसाइड की तरह हार्मफुल नहीं है. और यही सारी वजह है जिससे इस अनोखी खोज को मिला बायरेक का साथ. Innovation requires very high funding. If you look at our present project, our grant is one of the largest grants awarded to us from BIRAC, which basically 8 crore project, which has been very supportive to us to come to take the product from lab to field. So apart from the grant which they awarded, so this facility what we are in today is basically funded by Department of Biotechnology. Insects ki family planning ki a technology ek taraf jahan unique thi, wahin dusri taraf फार्मर के लिए आसानी से समझने और अपनाए जाने वाली थी, क्योंकि फैमिली प्लानिंग को तो सभी समझते हैं. चलिए जानते हैं उनकी राय, जिन्होंने इसे फील्ड में जाके टेस्ट किया है और किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली. This technology really bringing a tremendous results to the farmer. The further generations of insects are not getting produced. So overall, it is controlling the population of an insect in a field. In that way, the overall damage by the pest cost to the economic yield is completely bringing down. कहते हैं confusion problems create कर देता है, लेकिन इस technology के जरिए insects के बीच create किए गए confusion ने एक बड़ी problem का solution दे दिया. और ये प्रूफ कर दिया कि अगर हुनर हो तो कंफ्यूजन में भी सॉल्यूशन मिल जाता है. बायरा, खोज नई, उम्मीद नई. हमारे हेल्थ को परफेक्ट रखता है हमारा इंटेस्टाइन. अगर इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं है तो कई बीमारियां होती हैं. खासकर बच्चों में मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रुक जाते हैं. लेकिन चेन्नई के डॉक्टर ने बनाया है एक हेल्दी ड्रिंक जो एक्सपेक्टेड मदर के साथ साथ बच्चे के लिए भी काफी बेनिफिशियल है. आइए जानते हैं कैसे. हमारे देश की करीब 30% आबादी स्टंटेड होती है, यानी इनकी हाइट नॉर्मल से बहुत कम रह जाती है. इसके साथ ही इनकी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेसिटी भी सामान्य से कम पाई जाती है, जिनके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्दी ना होना. The intestine, as you know, is very necessary for absorbing food, vitamins, minerals, everything that we need for the health of the body. And in the intestine, there are lots of bacteria. Some people get intestinal infections repeatedly. So when this happens, the children do not reach their full potential in terms of growth, in terms of their ability to think clearly, what we call cognitive capacity, and in terms of their ability to do work. They get tired easily. सिंपल शब्दों में समझें तो जब खाना सही तरीके से पचेगा तभी वो शरीर में लगेगा, और यदि इंटेस्टाइन ही हेल्दी नहीं है तो इंसान कैसे हेल्दी होगा. लेकिन सवाल ये है कि इंटेस्टाइन हेल्दी होगा कैसे. Children need to be born with healthy bacteria in the intestine, and the best way to change it is probably to change the intestinal bacteria of the mother, so that the good bacteria, number of good bacteria can be increased, the number of bad bacteria can be reduced. Yani maa se bachchon tak aasani se pahunch sakta hai good bacteria, aur isiliye kuch mahilaon ko ek study ke zariye diye prebiotic supplements. Ek jo maize hai, jo corn jisko kehte hain, uski jo starch hai, उसकी फॉर्मुलेशंस अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के साथ हमने जब कोलैबोरेशन किया, हमें लगा कि उसकी जो फॉर्मुलेशंस हैं, जब उसको हम देते हैं टू चिल्ड्रन एंड मदर्स, इट हेल्प्स टू इंक्रीज देयर गट बैक्टीरिया विच हेल्प्स देयर डाइजेशन विच हेल्प्स देयर ग्रोथ. सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज टू गिव दी सप्लीमेंट्स टू पीपल हु वुड बी मदर्स and young women who may within the next couple of years become mothers.
And so we fed them this product every day for a month and then looked at the bacteria in the intestine. And we find that by giving this kind of supplement on a daily basis, by giving it for a month, we were able to increase the number of a certain type of good bacteria called lactobacilli. ये सप्लीमेंट्स पूरी तरह से सक्षम हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए और बायरैक के साथ से ये अब दूर दूर तक पहुंच रहा है। बायरैक एक्चुअली ट्राइज टू पेयर अस विद से वेंचर कैपिटलिस्ट एंड दे ट्राई टू गिव अस बैकग्राउंड व्हिच इज नीडेड फॉर इंक्रीजिंग टेक्निकल थिंग्स व्हिच नीड टू गो विद दिस दिस बेनिफिट कैन एक्चुअली एक्सटेंड डाउन टू एवरीबॉडी सो दैट पीपल हु आर डिसएडवांटेज्ड करेंटली will also improve and the country as a whole will improve. हमारा main focus ये है कि हम health और well-being को कैसे बढ़ाएं mother का child का जो initial results हमें मिले हैं वो बहुत encouraging हैं और हम इसको अब आगे ले जा रहे हैं उसमें different types of fortification करके ताकि हम उनको ये maize starch के basis पे formulations बना के दें अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में तो एनएसडीसी को मिस कॉल दीजिए 0880005555 पर या विजिट कीजिए एनएसडीसी की वेबसाइट www.nsdcindia.org इसके बाद एनएसडीसी कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा कौशल भारत कुशल भारत वेलकम बैक मेरे हुनरबाजों भाई आज का दिन कैसा जा रहा है और आज हुनरबाज आपको क्या सिखा रहा है वाह वाह क्या बात है चलिए इसी अंदाज में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है JDIL यानी जवाब दो इनाम लो भाई इस सेगमेंट का मेन अट्रैक्शन है आपके मैसेजेस और आपके वीडियोस जिन्हें पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है तो चलिए आज देख लेते हैं पहला मैसेज किसका है ये मैसेज आया है संजना का जम्मू एंड कश्मीर से ये लिखती हैं कि हुनरबाज ये पिछले एक साल से देख रही हैं इस शो में जब युवाओं को आगे बढ़ता देखती हैं तो इन्हें बहुत ही गर्व होता है और ये शो युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है थैंक यू सो मच संजना हुनरबाज का यही मकसद है कि युवाओं के हाथ में कौशल देकर उनको रोजगार से जोड़ा जा सके और अगर इस मकसद में हम थोड़ा भी कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी थैंक यू सो मच अगला मैसेज है तेजवीर का जोधपुर से ये लिखते हैं कि आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ हुनरबाज एंड इट इज़ अ वेरी मोटिवेशनल प्रोग्राम स्पेशली फॉर वुमेन एंड यूथ तेजवीर थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए जी हाँ ये शो आपका है आपके लिए है और इसमें दिखाई गई हर जानकारी अगर आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी थैंक यू सो मच अगला मैसेज है गुरदयाल सिंह का जम्मू से इन्होंने सुरभि को याद करते हुए लिखा है कि सिद्धार्थ काक जी का ये प्रोग्राम सुरभि की तरह ही ज्ञानवर्धक है ये लेटेस्ट जानकारियां समेटे हुए हैं जो हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का बेहतर मंच प्रदान करता है धन्यवाद गुरदयाल जी बहुत ही खुशी हुई है जानकर कि आज भी सुरभि की यादें आपके मन में तरोताज़ा हैं और जी हाँ हम यही कोशिश करते हैं कि समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ें और अपने युवाओं को एक नई दिशा हमेशा दिखाने का प्रयास करें थैंक यू सो मच अगला मैसेज है सुमित का जबलपुर से ये लिखते हैं कि इनकी माँ ने हुनरबाज को फर्स्ट एपिसोड से आज तक देखा है लगातार देखा है और ये चाहते हैं कि इस वजह से इनका मैसेज जरूर पढ़ा जाए तो सुमित जी आपकी माँ को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा और हमें उम्मीद है कि आप भी हुनरबाज को अपनी माँ की तरह यूं ही फॉलो करेंगे देखेंगे और इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच अगला मैसेज है विश्वदीप गुप्ता का छत्तीसगढ़ से ये लिखते हैं आई एम जस्ट 12th पास एंड सर्चिंग फॉर बेस्ट करियर ऑप्शन एंड दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एवरी फील्ड प्रॉपरली
विश्वदीप जी, अच्छी बात है कि आपने 12th पास कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी देखिए कि आप में कौन सा हुनर है जिसे तराश कर आप आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आगे खुल सकती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू योर फ्यूचर। और आज का आखिरी मैसेज है अंकित यादव का छत्तीसगढ़ से। इन्होंने हुनरबाज के लिए एक बड़ी ही प्यारी सी कविता लिखी है। Have a look. तो ये हो गए आपके मैसेजेस और अब जान लेते हैं कि क्या था पिछले हफ्ते का सवाल। हमने आपसे पूछा था कि डॉक्टर मोहन राज ने किस चीज से ओमेगा 3 को निकाला है, उन्होंने कैसा कौन सा इन्वेंशन किया है, खास इन्वेंशन जिससे एक अनोखी सी चीज से उन्होंने ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट को निकाला। तो चलिए जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। डॉक्टर मोहन राज ने ओमेगा 3 को एल्गी से बनाया है। फ्लैक्स सीड से एल्गी। काई। सेवार से बनाया गया है। काई से बनाया। काई से एल्गी। 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 केचोई से एल्गी। काई से बनाया गया है। अलगे से दवा बनाई। जी हाँ, ये बात सही है कि अलसी और फ्लैक्स सीड पे भी ओमेगा 3 होता है, लेकिन डॉक्टर मोहन राज ने अलसी से ओमेगा 3 नहीं निकाला, उन्होंने ओमेगा 3 निकाला एल्गी से। एल्गी जिसे हम काय या शैवाल भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट जानते हैं हमारे इस वीक के विनर्स कौन हैं। तो हमारे पहले विनर हैं सिहान फ्रॉम गोवा। कंग्रेचुलेशन सिहान, आपको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पूरे 5,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। पूरी तरह से सिक्योर और इजी टू यूज ये गिफ्ट कार्ड आप किसी भी POS मशीन या e-commerce साइट पर यूज करके बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। और हमारी दूसरी विनर है संस्कृति फ्रॉम कर्नाटका। कंग्रेचुलेशन संस्कृति, आपको मिलता है KVIC की तरफ से पूरे 5,000 का गिफ्ट वाउचर। ये गिफ्ट वाउचर आप किसी भी खादी आउटलेट में जाकर रिडीम करा सकती हैं। तो आप दोनों लोगों से मैं यही कहूंगी कि भाई, एक के पास गिफ्ट कार्ड है और एक के पास गिफ्ट वाउचर है, जाइए खूब सारी शॉपिंग करिए और क्या क्या खरीदा हमें भी बताइए। और अब इस हफ्ते का सवाल। आज आपने सुभाष गुप्ता की कहानी देखी, एक ऐसा युवा जिसने एक ट्रेड में ट्रेनिंग लिया और फिर लोन लेकर खोली अपनी एक दुकान। तो आपको हमें बताना है कि उन्होंने किस ट्रेड में BS/BS से ट्रेनिंग ली थी। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि सुभाष गुप्ता ने BS/BS से किस ट्रेड में ट्रेनिंग ली और अपनी दुकान खोली। भाई, ये ऐसा ट्रेड है जिसके बिना आज लोगों का काम नहीं चलता। हर इंसान, हर बच्चे, हर बूढ़े के हाथ में आप इसे पाते हैं और ये बिगड़ जाए तो उसको बनवाने का काम ही सुभाष गुप्ता करते हैं। याद आया? जी हाँ। तो फटाफट बनाइए अपना व्हाट्सएप वीडियो और भेज दीजिए हमारे इस नंबर पे। आप हमें अपने जवाब 9757303030 पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। आपके मैसेजेस और वीडियोस ही नरबाज के एपिसोड की जान है, तो खूब सारे वीडियोस बनाइए, मैसेजेस बनाइए और हमें भेजना ना भूलिए। और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम आपसे यहीं हुनरबाज में मिलेंगे, हमें दीजिए विदा। टाटा। दुनिया से ताल मिलाने का, मुझे बचपन से राइटर बनना था। मुझे डायरेक्टर बनना। मुझे मार्केटिंग मैनेजर बनना। बिजनेसमैन। मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना है। मौका ढूंढो रे। देखा आपने कितनी उम्मीदें और कितने सपने हैं इन स्टूडेंट्स की आंखों में अपने करियर को लेके, जिसे एक दिशा दिखाने का काम करता है कोई भी स्कूल या कॉलेज। ऐसे ही कुछ सपने पूरा करने और कुछ लोगों की जिंदगी बनाने की तरफ हुई है एक कोशिश। आजा मचल के कुछ करके देखो। हुनरबाज सीजन 4 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा।